एक दिन अकबर बादशाह ने बिरबल के किसी काम पर खुश होकर कहा, वाह बिरबल, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुम्हारी हाजिर जवाबी, तुम्हारा इंसाफ, इन बातों से हम बेहद खुश हैं। ये आपका बड़प्पन है जहाँ पना? ऐसा नहीं है बिरबल, तुम वाकई सबसे बढ़िया हो, इसलिए मैं अपनी मर्जी से तुम्हें 200 मोहरों का इनाम दे रहा हूँ। इसका तुम स्वीकार करो। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। बिरबल को इनाम मिलने के कारण उसकी ईर्ष्या करने वालों के मन में खलबली मच गई। बिरबल को मिले सम्मान को देखकर जलने वालों में बादशाह का साला शेर खान और उसके साथी सरदारों के साथ काजी भी था। बिरबल को फंसा कर उसे चुप कराने के इरादे से काजी ने कहा, खाविंद, आपके ये वजीर बेहद चतुर है, जहाँ देखो वहाँ उन्हीं की तारीफ हो रही है। हाँ, सो तो है। पर खाविंद, आज मैं बिरबल को एक बहुत ही आसान सवाल पूछने वाला हूँ। अगर इस सवाल का जवाब वो दे पाए तो ही मैं मानूंगा कि बिरबल जी वाकई चतुर हैं। पूछो काजी, जो पूछना चाहो वो पूछो। खाविंद, बिरबल जी अपनी पत्नी का हाथ दिन में कितनी बार देखते होंगे? हाँ। तो अपनी पत्नी के हाथों में असल में कितनी चूड़ियां हैं, इसका वे सही जवाब दे दें। बिरबल के खिलाफ काजी के मनोभाव का रूपांतर कहीं विवाद में न हो जाए, इसी इरादे से अकबर ने कहा, वाह काजी, बहुत ही कमाल का सवाल है। अब तक मुझे भी मालूम नहीं है कि मेरी बेगम कितनी चूड़ियां पहनती है। जापना, अपने काजी साहब गणित के विषय में अत्यंत विशारद है, ये बात तो सब जानते हैं। और उन्हें हमेशा अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते रहने की आदत है, इसीलिए उन्हें अपनी दाढ़ी में कुल मिलाकर कितने बाल हैं, इस बात का तो जरूर पता होना चाहिए। मेरा सवाल याद है ना बिरबल जी? उसी का तो जवाब दे रहा हूँ मैं काजी साहब। भाई, आपकी दाढ़ी में कुल मिलाकर जितने बाल है, उसके 1000वें भाग जितनी संख्या की चूड़ियां मेरी पत्नी के दोनों हाथों में हैं। बिरबल का ऐसा जवाब सुनकर बादशाह और सारे दरबारी हंसते हंसते उल्टे हो गए और काजी की हो गई भाजी। पर काजी द्वारा पूछे गए गजब के सवाल जैसा ही सवाल पूछने की अकबर को भी इच्छा हो गई। अगर बिरबल ने उसका जवाब दिया तो मजा आ जाएगा और नहीं दिया तो बिरबल पहली बार निरुत्तर हो जाएगा। गाजर की पुंगी बजी तो बजी, नहीं तो तोड़कर खा ली, ऐसा सोचकर अकबर बोले, बिरबल, मेरे सारे शरीर पर बाल हैं, पर सिर्फ हाथ की इस हथेली पर ही बाल क्यों नहीं है? अब खुद बादशाह भी मजाक करने पर तुले हुए हैं, ये बात समझने में बिरबल को देर ना लगी। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं हुजूर, आप तो बहुत ही उदार और जानकार हैं। फिर आपके हाथों से हमेशा किसी न किसी गुणवान को इनाम दिया जाता है, दान कर्म में मोहरे बांटी जाती है। इन मोहरों से आपकी हथेली पर होने वाले निरंतर घर्षण के कारण आपकी हथेली के बाल गिर जाते हैं हुजूर। ऐसा होते हुए आपकी हथेली में बाल कैसे रह सकते हैं जहांपना? चलो मान लो कि मेरी बात ठीक है, पर तुम कहां किसी को दान देते हो, फिर तुम्हारी हथेली में भी बाल कहां है? आपकी बात बिल्कुल सही है हुजूर, पर जैसे पहले मैंने बताया कि आप बहुत ही जानकार और उदार मन के हैं, जहांपना बार बार खुश होकर आप मुझे भर भर के स्वर्ण मोहरे देते रहते हैं। आपकी हथेली के बाल इनाम दे दे कर गए, उसी तरह मेरी हथेली के बाल इनाम ले ले कर गए हैं हुजूर। तुम्हारी ये बात भी मंजूर है बिरबल,
पर दरबार में ये सारे जो लोग हैं उनकी हथेलियों में भी बाल कहाँ है? खाविंद, मैं यही पूछने वाला था। माफ कीजिए हुजूर, पर मुझे साफ साफ बोलना पड़ रहा है। बोलो। जहाँ बना हर बार आप मुझसे खुश होते हैं और मुझे ही कुछ ना कुछ इनाम देते रहते हैं, पर ये बात दरबार में किसी को भी पसंद नहीं है। जब भी आप मुझे इनाम देते हैं तब ये लोग जलन के मारे अपने हाथ एक दूसरे पर घिसने लगते हैं और इसी कारण इनकी हथेलियों के बाल गिर गए हैं। जहाँ पना बीरबल के इस जवाब से बादशाह बेहद खुश हुए और उसे और 50 सुवर्ण मोहरें दी। फिर एक बार दरबार के अन्य लोग जलन के मारे हाथ घिसने लगे। हा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